कि कश्मीर के बाद केपीके और बलूचिस्तान के भी हालात खराब हो रहे हैं और अमेरिका की कांग्रेस के जो 368 मेंबरों ने करारदाद पास की है ये फॉरन 47 के मेंबर नहीं है, ये हुकूमत बताए, ये मैं इसलिए देख रहा हूं कि मैंने आज आपको बिजली का बिल देने हैं, हुकूमत बताए कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए हैं। और चीन के वजीर जो इस्लामाबाद में तकरीर करके गए हैं, कौन जरा उस पर भी सोचे। मेरा बिजली का बिल आज 1,68,000 रुपये आया है और मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हैं कि जी 15 दिनों में 1 रुपये की हमने बिक्री नहीं की। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा। और ये मैं बिल दे रहा हूँ मीडिया को कि 31,000 रुपया तनख्वाह है और 29,000 रुपया बिल है। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। जब चोर चौकीदार बन जाए और घोड़े गधे असम्बलियों में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का अल्लाह याफज है। और मैं बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है और पकड़ा गया शहबाज गिल के भाई को और अजहर मशवानी के भाइयों को, जिनका कि उस सोशल मीडिया से कोई तल्लक नहीं है। और जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा, फिर 707 की साबन से वो हाथ धोए। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए और मौजूदा चोर डाकू लुटेरे कमज़र्फ कमक लज़ेनी पस्ती के शिकार और नाकाम नाअहल बजट नकम्मा बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। देखिए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की काफी